Third cue card of the day is talk about your favorite teacher. ये टॉपिक सजेस्ट किया है ध्रुव पटेल ने. ध्रुव, जो आपने सेकंड टॉपिक सजेस्ट किया है उसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दी हुई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं. और बाकी टॉपिक्स पे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, आज नहीं तो कल तक सारे टॉपिक्स अपलोड कर दूंगी. वो कैवर्ड यूज्ड इन दिस क्यू कार्ड आर एस्टॉनिश्ड व्हिच मींस सरप्राइज्ड, एमिएबल मींस फ्रेंडली, रिकॉग्नाइज्ड मींस पहचान लेना, टू नो अगेन समबडी और समथिंग दैट यू हैव सीन और हर्ड बिफोर, मतलब किसी को पहचानना. सैम्पल आंसर इज आई हैव हैड मैनी पीपल इन माई लाइफ हु टॉट मी इम्पॉर्टेंट लेसन्स ऑफ लाइफ. Because of them, I had many bittersweet experiences in my life and was able to learn many things from those moments. However, the person who changed my life positively was Ms. K, who was and still is my favorite teacher. Actually, maths was never my favorite subject. When I was in 7th standard, a new teacher was introduced to our class, who was our maths teacher KK. She understood every student's problem and started teaching us the basic concepts of math. I was astonished to see increase in my interest in math subject. Her way of teaching was unique and everyone loved that. She immediately became my favorite teacher. In addition to this, she did not only have good teaching skills but was also amiable by nature. Ms. K told us to adapt the habit of reading non-fiction books as books had all solutions to our problems. Because of her, I read a book on time management which helped me a lot in completing my old task on time. When I changed my school, we lost touch. Luckily, we met last Sunday in the city mall. She immediately recognized me and asked about my well-being. Moreover, she suggested many things which can help me in having better future. I don't think I could have better teacher like her. She will always remain my favorite. चलो ये तो easy था, फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जो आपको ना पता हो कि miss यानी कि singular कोई unmarried girl हो, Mrs. यानी कि वो married है, but Ms. MS लगा हो मतलब पता नहीं चलता है मैरिड है कि नहीं. जैसे मिस्टर लगा वो पता नहीं है कि मैरिड है कि नहीं, ऐसे एमएस मैंने यहाँ पे मिस बोला है, पता नहीं है कि वो टीचर थी जो मैथ्स की हमारी, वो मैरिड थी कि नहीं थी. और आई डोंट थिंक कि मुझे इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ईजी ही है. पहले कुछ उनके बारे में बता दिया कि मेरा मैथ फेवरेट नहीं था, बेसिक कंसेप्ट उन्होंने पढ़ाने शुरू किए तो सारा इंटरेस्ट बन गया और अच्छे से मुझे समझ आ गया. उसके बाद हमें लाइफ लेसन कुछ दी, उन्होंने बोला कि बुक्स रीड करनी चाहिए, काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं. मैंने रीड की, मेरी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. जब मैंने स्कूल चेंज किया तो हम मतलब टच गया हमारा, बट जब हम लास्ट संडे मिले तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, मेरे बारे में पूछा, सजेस्ट किया चीज़ें जो मेरी फ्यूचर में हेल्प कर सकती हैं. तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उससे अच्छे टीचर मिल सकते थे. ओके स्टूडेंट्स, आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करो तो मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली अपलोड करूँगी. Thanks for watching.